हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सैलजा की रसोई। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं एक चॉकलेट केक, जिसे बनाना बहुत ही इजी और सिंपल है। आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसा अजीब सा शेप है केक का। ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है। ऐसे बना करके आप बहुत सारी केक की स्लाइसेस बना करके सर्व कर सकते हैं। जैसा आपने मार्केट में देखा होगा ना, ब्रिटानिया का केक मिलता है और भी बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स का केक मिलता है। आप देख सकते हैं कितना स्पंजी बना है ये। इसके लिए हमें कोई अलग कंटेनर की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जो हमारे पास गोल शेप का कंटेनर होता है, हम उसमें भी इसे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। कंडेंस मिल्क ले लेंगे हम, थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, उसमें हम डाल देंगे पीसी हुई चीनी। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसमें पीसी हुई चीनी थोड़ी ज्यादा डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे दही, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सबको। अब मैं इसमें डाल दूंगी एक कटोरी मैदा, थोड़ा सा मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। डाल देंगे इसमें हम कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और जो हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध मिलाकर के इसका एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे हम। ऐसा बैटर होना चाहिए कि आप अगर उसको गिरा के देखें तो रिबन्स बनने चाहिए आपके बैटर में। अब हमारी जो केक टिन है, इसे हम ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर आप मैदा डस्ट करके भी बना सकते हैं इसे। अगर आप एल्यूमिनियम के अलावा और कोई केक कंटेनर ले रहे हैं तो आपको उसमें बटर पेपर लगाना जरूरी है, पर ऐसे बनाने के टाइम पे आप मैदा लगा भी सकते हैं इसमें। अब हम डाल देंगे नींबू और उसी के ऊपर डाल देंगे हम बेकिंग सोडा। सिर्फ एक पिंच बेकिंग सोडा हम इसमें डालेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वो सर्कल जो आपका बीच में ऐसा आएगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ क्या करा, एक छोटा सा ग्लास लिया है और उसमें मैंने चावल डाल दिए जिससे कि बैटर बीच में ना आए। आप चाहे तो चावल की जगह पे और भी कुछ डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे डाल देंगे टूटी फूटी, जो भी आपके घर में डेकोरेट करने के लिए है केक के लिए चीज, आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पे कंटेनर को मैंने 10 मिनट्स पहले ही प्री हीट कर लिया है। अब इसमें 30 टू 45 मिनट्स के लिए हम इसको बेक करेंगे, एकदम लो फ्लेम पे बेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो केक है वो बन करके रेडी हो चुका है। अब हम इसको एकदम ठंडा होने देंगे। केक हमारा ठंडा हो चुका है, आराम से हम इसका जो हमने ग्लास डाला था उसे निकाल लेंगे और इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं केक हमारा एकदम अच्छे से बाहर आ चुका है और कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी बना हुआ है। अगर आप इस प्रोसेस से कोई भी केक बनाते हैं तो आपका केक 100% स्पंजी बनेगा, भले ही आपके पास ओवन हो या ना हो। देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे काट करके दिखा रही हूँ कैसा बना है हमारा केक। देख लीजिए, एकदम मार्केट जैसा बना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।